सुख बोलना तेरे बिन, वो तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, वो तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। ए याद है ये गाना? ऑफ कोर्स, नेहा का फेवरेट हुआ करता था ना। राइट, उसी के बारे में सोच रहा था, शायद इसीलिए ये गाना याद है। नेहा मिली थी तुम्हें कल? हाँ, राहुल अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। मैं मिल चुका हूँ जनाब से, राहुल नेहा के सपनों का राजकुमार। तुम्हें कैसा लगा? पता नहीं यार, सिर्फ एक बार ही मिला हूं, इसलिए अभी कुछ कहना ठीक नहीं, लेकिन मस्त लग रहा था, दोनों को साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, नेहा भी बहुत खुश है ना? हाँ बहुत खुश, और राहुल के बारे में सीरियस भी थी, बहुत प्यार करती है राहुल से और शादी भी करना चाहती है। अच्छा है, पर ये सब कुछ इतना फास्ट फॉरवर्ड, मतलब बहुत जल्दी नहीं हो रहा? क्या मतलब? यार आखिर अभी कितने दिन हुए उन्हें मिले हुए, और इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला कर लेना, पता नहीं नेहा ठीक भी कर रही है या नहीं। बट नेहा तो शुरू से ही ऐसी थी, बिल्कुल इम्पल्सिव, किसी भी चीज़ को करने का फैसला एकदम से कर लेती है। लेकिन सब्र करना सीख लेना चाहिए नेहा को, इतनी जल्दी किसी पर एतबार कर लेना, मुझे थोड़ी फिक्र है नेहा की। क्यों? You don't trust राहुल? क्या तुम्हें लगता है कि वो नेहा के साथ? पता नहीं यार, मुझे लगता है कि दोनों ही इस रिश्ते में कुछ अलग अलग ढूंढ रहे हैं। शायद मैं गलत हूँ, एंड आई होप मैं गलत ही हूँ। तुम ठीक कहते हो फरहान, किसी को पूरी तरह जाने बगैर रिश्तों में इतनी नजदीकियां नहीं आनी चाहिए। वैसे एक बात बताऊं फरहान, तुम शक्ल से इतने समझदार नहीं लगते। तो हो जाए इसी बात पर रिक्शे। नहीं तुम्हारे जाने का वक्त हो गया दोस्त, मिलने का वक्त खत्म। हाँ भाई तीरथ, अब बता कि तू हम सब से क्या कहना चाहता था? अब किस मुंह से कहूं पंच जी, मेरी तो कुछ कहते हुए भी जबान जलती है। तेरी पहेलियां बुझने का हमारे पास वक्त नहीं है, जो कुछ बोलना है साफ साफ बोल। अरे वही तो कह रहा हूँ देवा भैया, हमरे गांव में एक आदमी है जो एक लाइलाज बीमारी खुलेआम अपने साथ लिए घूम रहा है। ये क्या कह रहा है तू? कौन है वो आदमी? बाबूलाल। हाँ पंच जी, उसको एड्स हो गई है। एड्स? एड्स? ये तो वही है ना जो? हाँ देवा भैया, पता नहीं शहर में कहाँ कहाँ मुंह मारता फिरता था वो बेशरम। अब देखो घर में देवी जैसी औरत है, और लक्षण देखो इसके, छे छे छे, मैं तो कहता हूँ सीधा नरक में जाएगा वो। और देखो बीमारी ने पकड़ लिया तो गांव में चला आया है। और तो और पंच जी, अरे वो तो अपने बेटे को उठाए वहां उप स्वास्थ्य केंद्र में भी घुसा बैठा था। केंद्र में? ये क्या कह रहा है तू? अरे केंद्र में तो गांव के सारे लोग जाते हैं। पर तीरथ, मैंने सुना है कि ये बीमारी साथ बैठने खाने या छूने वूने से नहीं फैलती। देखो वो सब मुझे नहीं पता, जितना मुझे पता था मैंने आप लोगों को बता दिया, अब आप जानो आपका काम जाने। पर अगर उसकी वजह से ये बीमारी किसी और को लग गई ना, तो उसके साथ साथ इसका भी मुफ्त में राम नाम सत हो जाएगा। हाँ कह देता हूँ। अरे इसका तो फैसला बहुत जल्दी करना पड़ेगा वीरेन। हाँ मैं बड़े घर जाकर बात करता हूँ। इस पर बड़े घर का क्या मतलब? तुम अपनी हर सांस की खबर बड़े घर देना छोड़ दो वीरेन, ये पंचायत का मामला है। अरे देवा तुम भूल गए, अपने गाँव के सरपंच वही बड़े घर में ही तो है। मालकिन क्या खबर है? अभी तक कोई खबर नहीं है मालकिन।
मुंशी की जात और खबर लाने में इतनी देर? कल सूरज ढलने तक इंतजार करना। और फिर? फिर मुंशी की आत्मा की शांति के पाठ में हम भी जाएंगे। बेचारा बहुत भरोसेमंद आदमी था, बड़े घर का। पर मालकिन मुंशी जी तो जिंदा है। कल सूरज ढलने के बाद नहीं रहना चाहिए। क्या करें, जितने लिखवा कर लाया था उतनी भोग ली जिंदगी बेचारे ने। मगर मालकिन, अगर मगर की अब कोई गुंजाइश नहीं है कीरत। खून का खेल है ये, खून तो बहेगा ही, कभी उधर से तो कभी इधर से। बड़े घर के हर दीवार पर खून के छींटे देखने की कसम ली है मैंने। शतरंज का बहुत शौक है ना तुम्हें चाचा गजेंद्र, तो लो तुम्हारा खेल तुम्हारी ही तरह खेल रही है। पहले एक एक करके प्यादे मरते हैं ना, और बाद में घेर जाता है राजा चाचा गजेंद्र। अरे ये तूने क्या खबर सुनाई वीरेन? वही बताया जो सच है। तीरथ शहर में बाबूलाल के साथ ही नौकरी करता था, सब उसकी देखी और परखी हुई बात है। तो फैसला करना पड़ेगा, बल्कि मैं तो कहता हूं कि निकाल बाहर करो उसे काम से। अच्छा, मगर मंगत बाबू से तो? अरे हाँ, मंगत भैया से भी पूछ लेते हैं। तो हाँ मंगत भैया, क्या करना है उसका? खोपड़ी लगाया कर मुंशी, खोपड़ी। बहुत दम है इस खेल में, पर ठीक से खेलना होगा। पर तू अपनी खोपड़ी और जबान कहीं गिरवी रखा है क्यों? मंगत भैया, मैं तो पूछ रहा था। अबे मुंशी, पजामे से बाहर मत निकल। गांव के फैसले अब तू करेगा। गलती हो गई मंगत भैया, गलती हो गई। ये वीरेन भी बूझी जब पूछा जा रहा है? अरे मंगर भैया है ना सब कुछ करने को। देख वीरेन, बाबूलाल को और उसकी लुगाई को गांव से निकाल देना ही काफी नहीं है। ये नर्स बहन जी क्या कर रही थी? उसकी जिम्मेदारी बनती है कि गांव वालों को समझाए, बीमारी के बारे में बताए। बिल्कुल मंगर भैया, बिल्कुल। तो वीरेन, नर्स बहन जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो क्या होना चाहिए उसके साथ? जैसा आप कहें। मेरे कहने से अगर तुझे करना है तो पंच तुझे बैगन काटने के लिए बनाया, तो सोच और पंचायत को सोचने पर मजबूर कर। मगर नतीजा हमारे मन के मुताबिक होना चाहिए। हाँ, मैं समझ गया मंगत भैया। लेकिन भैया, सुना है कि ये बीमारी छुआछूत वाली नहीं है, तो कहीं हम? देख वीरेन, सही गलत सोचने का वक्त नहीं है किसी के पास। एक मौका हाथ आया है गांव वालों को बहकाने का। उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगाने के लिए कई दिन से मेरे हाथ खुजला रहे हैं। अब तो नर्स बहन जी, तुम दवा दो और हम दर्द देंगे। बात तो केवल इतनी है कि क्या सब सेंटर से भी कोई मुसीबत में आ सकता है? मेरा मरा मुंह देखो जो सच ना बोले तो। तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।